सत श्री अकाल, सलाम आदाब। मैं हूँ सिमरन हंस और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। सो अगर हम बात करें आने वाली फिल्म सईरा नरसिम्हा रेड्डी की, तो उस फिल्म का जब से ट्रेलर आया है इसका बस तब से बहुत ज़्यादा बन चुका है ऑडियंस में। ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। वहीं अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी और रवि किशन जैसी स्टार कास्ट ली गई है। वहीं तमन्ना और नयनतारा भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। वहीं अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को जहाँ फैंस ने, जहाँ ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, सेलिब्रिटीज ने भी काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। जी हाँ, अगर हम बात करें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की, तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी अपनी अपनी एप्रिसिएशन जताई है सोशल मीडिया के जरिए इस ट्रेलर के बारे में, जिनमें से एक है सलमान खान और दूसरे हैं आमिर खान भी। तो आइए हम देखते हैं इन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में। की बात करें तो फिल्म रिलीज होने वाली है 2 अक्टूबर को, जिस दिन इस साल की एक और मच अवेटेड फिल्म यानी वॉर भी रिलीज होने वाली है। वॉर फिल्म की बात करें तो उसमें टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, जिसके चलते ऑडियंस में उसका क्रेज भी काफी ज्यादा बना हुआ है। साथ ही साथ उस फिल्म में भरपूर एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम सईरा नरसिम्हा रेड्डी फिल्म की बात करें तो एक हिस्टोरिक इवेंट पर बेस्ड मूवी है, फ्रीडम फाइटर के बारे में है, साथ ही साथ एक्शन भी भरपूर है। और अगर हम बात करें स्टोरी लाइन और कंसेप्ट की, तो रियलिटी बेस्ड है। वहीं स्टार कास्ट भी इतनी जबरदस्त है, तो जबरदस्त कॉम्पिटिशन देने वाली है ये वॉर फिल्म को। अब देखना ये होगा कि कौन सी फिल्म जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन फिलहाल जो सईरा नरसिम्हा रेड्डी के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस फिल्म की टीम काफी खुश है।